Namasitaya Om Namasitaya Om Namasitaya Namo Vihantanam Namo Siddhanam Namo Airiyanam Namo Vajjayanam Namo Loe Sabhasa मंगलकर बीत राग विज्ञान नमाता ही जाते वही अरहंता दिमा करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करन को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद उधर आया पीछे ऐसे दिखाई दो घर में टोडरमल जी ने स्वाध्याय करने वालों को जो बहुत स्वाध्याय करते हैं वे भी कहां चूक जाते हैं निर्णय करने में। ध्यान रखना पहले दिन से कह रहे निर्णय करना था। निर्णय कैसे किया जाता है वो टोडरमल जी सिखा रहे देखो। तत्वार्थ सूत्र सब पढ़ते हैं, नवे अध्याय का दूसरा सूत्र सबसे नीचे दिया है, पढ़ो उसकी तत्वार्थ सूत्र का सूत्र पढ़ो नीचे, तुम पढ़ो और कौन पढ़ेगा। अब सब पढ़ते हैं लेकिन उसका निर्णय नहीं करते, निर्णय नहीं करते इसलिए गलती हो जाती है। क्या गलती हो जाती है वो टोटल मुझे समझा रहे। तथा सिद्धांत में देखो पेज नंबर 228 सातवां अध्याय मोक्ष मार्ग प्रकाशन। सिद्धांत में गुप्ती समिति धर्म अनुप्रेक्षा परिसंजय चारित्र इनके द्वारा संवर होता है ऐसा कहा है, सो इनकी भी यथार्थ श्रद्धा नहीं करता। संवर के संबंध में एक गलती क्या की थी इसने, सुभाषरव को संवर मानना था, सुभाषरव को संवर माना था। अब क्या गलती कर रहे हैं कि सिद्धांत में इनकी पढ़ाई करता है, चर्चा होती है, वार्ता होती है। देखो बेटे सब समझने देना, सबसे कठिन काम क्यों है कि आत्मा दिखाई नहीं देता। और जिनवाणी में 99% वो लिखा है जो दिखता है, सुनने में आता है, समझने में आता है, कहने में आता है। अब वो जो 99% कहा जाता है वो दिखता है और जे तो दिखता नहीं। दिगंबर मुनि राज ऐसा दिखाई देता था, नग दिगंबर दिखाई देते, पीसी कमंडल दिखाई देता है, आत्मा तो नहीं दिखती ना। और फिर आत्मा की तीन का सा चुकड़ी अभाव नहीं दिखाई देता, तो वो असली मार्ग वो हमेशा छिपा रह जाता है। क्या कहा, असली मार्ग हमेशा ही छिपा रह जाता है। ऐसी कठिन बात है कि अनंत बार शास्त्र पढ़ो फिर भी वो गलती ना निकले, क्योंकि जो दिखता है वो फौरन लगता जी है। अब जी क्या कह रहे हैं, जो दिखता है वो नहीं है मार्ग। तो पहले चर्चा होगी बाह्य दृष्टि वाली, बाहर से दिखता है। फिर शुभ आश्रव अशुभ की तुलना में शुभ अच्छा लगता है, ये गलती होती है। यहां चर्चा कर रहे हैं सिद्धांतों में जो गुप्ती आदि पड़ी है तो उसका क्या स्वरूप समझता। देखिए बाह्य मन वचन काय की चेष्टाएं मिटाए, पाप चिंतवन ना करे, मौन धारण करे, गमनादिक ना करे, उसे वह गुप्ती मानता है। तुम बोलो गुप्त स्वरूप गुप्त होने के लिए क्या कर सकते हो, मन में विचार मत करो मनोगुप्ती, वचन से बोलो नहीं वचन गुप्ती, वो काया से कहीं आओ जाओ नहीं एक जगह बैठ जाओ ये काय गुप्ती होगी। यही तो समझते हैं मैं सब, वो इसी को कठिन समझते हैं कि वो मन रुकता नहीं, सो गुप्ती बड़ी कठिन लगती है। समझिए मन में विचार मत करो तो मनोगुप्ती, बोलो मत वचन गुप्ती, और काया से चेष्टा मत करो कहीं आओ जाओ नहीं तो काया गुप्ती होगी, ऐसा मानता है जी। सो यहां तो हाँ मन में भक्ति आदि रूप प्रशस्त राग से नाना विकल्प होते हैं,
वचन काय की चेष्टा स्वयं ने रोक रखी है, वहां सुप्रवृत्ति है और प्रवृत्ति में गुप्ती बना बनता नहीं, समझ गए। मन में तो नहीं रोक सकते आप, क्या कह रहे, मन में तो चिंतन चलेगा आपका, है ना, ठीक है ना। मन में भक्ति आदि रूप प्रशस्त राग से नाना विकल्प होती है, मन में मनोगुप्ति कैसे करोगे। हाँ वचन रोक दो, नहीं बोल रहे हम, और काय से निकले मुझे बैठ गए, तुम दो करोगे तो नई प्रवर्तन करने का नाम तो शुभ भाव है, प्रवृत्ति रोकने का नाम तो शुभ भाव है, प्रवृत्ति का नाम शुभ प्रवृत्ति है और प्रवृत्ति में गुप्ती बना बनता नहीं है। इसलिए वीतराग भाव होने पर जहां मन वचन काय की चेष्टा ना हो वही सच्ची गुप्ती है, वही सच्ची गुप्ती है। वीतराग भाव होने पर तीन का साथ चौकड़ी का अभाव होने पर, इसमें एक टेंशन मत लो कि हमारे मनोगुप्ति हो जाए, हमें कैसे हो जाएगी मनोगुप्ति। हम जब भी बैठते हैं विचार आते हैं, आंधी मुनिराज की बात है, मुनिराजों में भी कोई कोई मुनिराज बीत रहा हूं, स्वरूप का समझ में, स्वरूप मग्नता होगी तब होगा वो, तीन का साथ चपड़ी का अभाव होगी तब होगी वो मनोगुप्ति। हाँ मन में विचार रोक दिए हमने, इससे नहीं होगा। व्यापार करते थे तो बहुत विचार आते थे, घर व्यापार करते थे तो बहुत आते थे, शादी विवाह करते थे तो बहुत आते थे, मकान बनाते थे तो बहुत आता था। अब थोड़ा शांति आ गई, अब यार दो रोटी खाते हैं हम 24 घंटा, मन बहुत शांत है, तो इसका नाम मनोगुप्ति नहीं है। तीन कसाई चौकड़ी के अभाव में जो स्वरूप गुप्त होता है वो उसका नाम मनोगुप्ति। हाँ भावलिंग भी सारे मनोगुप्ति वाले नहीं होते, होंगे भविष्य में होंगे स्वरूप उत्कृष्ट होने पर, समझ में आया। वही सच्ची गुप्ती है जब वीतराग भाव होने पर, वीतराग माने स्वरूप मग्नता होने पर, स्वरूप मग्नता होने पर वीतराग होते हैं तब मन वचन काय की गुप्ती चेष्टा अपने आप ही नहीं होती। हाँ प्रवृत्ति में गुप्ती माने कैसे बनेगी, प्रवृत्ति हुई ना नहीं बोलना, नहीं जाना आना, तो तुमने तो रोक ये प्रवृत्ति, तब वो भी एक प्रवृत्ति है। मन में तो विचार चल ही रहा वो भी एक प्रवृत्ति है, भक्ति का विचार चलेगा, पंच परमेश्वर का विचार चलेगा, उपदेश देने का विचार चलेगा, तो मन में भी चल रहा है तो गुप्त हुआ कहां। लेकिन स्वरूप गुप्त होने पर, स्वरूप गुप्त होना वाले लीन होने पर, तीन का साथ चौकड़ी का भाव होने पर वो गुप्ती बनती है, वो अपने आप ही आती है। इतना आनंद आता है, इतना आनंद आता है कि जाने का मन नहीं करता, कुछ पढ़ने का मन नहीं करता, कुछ बोलने का मन नहीं करता, मन ही नहीं करता, अपने आप ही छाई रहती है खुशी। हो पेट भरा हो तो क्या कौन कौन सा भोजन याद आता है तुम्हें। अब देखो मन शांत हो गया, पेट भरा है, तृप्त है, आज तृप्त है, अब तृप्त है तो मन में भोजन याद ही नहीं आ रहा, तो क्यों, जब भर पेट खा लिया तब कहां जाओगे, किचन में कि होटल में, कहीं नहीं जाएंगे, काय चेष्टा रुक गई। क्यों भोजन की चर्चा करता है कोई भरे पेट के बाद, और क्या बना रहे हो और क्या खिला रहे हो और लाओ, तो बोलता भी नहीं। ऐसे जैसे भोजन में तृप्त होने पर मनोगुप्ति वचन गुप्ति काय गुप्ति अपने आप हो जाती है, ऐसे स्वरूप में निमग्न होने पर, स्वरूप मतलब कोई आत्मा में ऐसे लीन हो जाए ऐसा नहीं है, लेकिन वो इसलिए बहुत अच्छा शब्द है, वेद विज्ञान को विज्ञान घन हो गया, एक वो विज्ञान घन हो गया। क्यों तुम कुछ कर नहीं रहे, तो ऐसे क्या करें, करने कुछ है ही नहीं, कुछ है ही नहीं, क्या करें, मतलब क्या सोच नहीं रहे कुछ, अब हम क्या सोचे, नहीं कुछ पर्याय में करो, पर्याय तीन काल के खचे, द्रव्य में कुछ चिंता की जरूरत नहीं, गुण में चिंता की जरूरत नहीं, पर्याय में हम कुछ कर नहीं सकते, अब क्या करें, बैठे आराम से बैठे मजे में, तो जी स्वरूप गुप्त हो गया। ध्यान रखना स्वरूप गुप्त सदा का स्वरूप गुप्त ही नहीं रहता, उठता बैठता चलता फिरता भी है, लेकिन जो मन वचन का एक गुप्ति होती है ना उन्हें अवधि ज्ञान हो जाता है, जिन्हें मन वचन का एक गुप्ति होती है फिर उन्हें मन पर ज्ञान वगैरह प्रकट होने लगती है। एक तो ऐसी शांतता सा है बस, दृष्टांत ही दे सकती है भोजन का, सब कहा हो गया अब क्या करना, बोलो
कुछ काम नहीं। जिसकी लड़की की शादी हो गई हो उससे कहो चलो वो लड़का है बढ़िया बढ़िया होएंगे, अब मन सोचने तक तैयार नहीं है कि हमारी लड़की शादी होगी खत्म, वही एक से एक लड़का हमें क्या करना, मन विचारने तैयार नहीं है, बात करने को तैयार नहीं है। आ जाओ बैठो बताओ कौन सा लड़का अच्छा, बचन से नहीं बोलता वो काया से वहां देखने नहीं जाता, हमारी लड़की शादी हो गई हमारा प्रयोजन पूरा हो गया, ऐसे स्वरूप का निर्णय हो गया, हम विज्ञान घन हो गए। क्या बोला? हमें स्वरूप का निर्णय हुआ, स्वरूप माने केवल अपना ही नहीं, तीन लोग तीन काल खचे थे, द्रगुण प्रयाग का निर्णय हो गया, हम क्या करें बताओ क्या करें। क्यों आपको चिंता नहीं है ये बच्चे को कल्याण कब होगा, चिंता नहीं होती आपको? आपका आपके परिवार का है, किसका परिवार? हम शुद्ध चेतन है, ये भी शुद्ध चेतन है, किसका परिवार है? नहीं सर व्यवहार से तो चिंता करो इसकी। अरे चिंता हो तब व्यवहार कहा जाता है, हम चिंता ही नहीं हो रही हमें, बोल क्यों नहीं हो रहे? ये अपने सोए समय में कल्याण को प्राप्त, मतलब किसी पिता को अपने बच्चे की मुंह छाने की चिंता हो तो बोलो क्यों नहीं होती? बढ़िया उत्तर है, सोए समय में आई। किसा तुम्हारा बच्चा 16 साल का हो गया अभी तक नहीं आई, मत आने। 18 का हो गया तो अभी नहीं आई, मत आने। सोए समय में आई, सोए समय ऐसी सम्यक दर्शन की पर्याय सोए समय में आएगी, आप क्या कल्पना करोगे? इतना बड़ा मीराजों का संग है और आज देह छूटे थे ऐसे ऐसे विज्ञान का शांत होकर देह छूट जाए, ये नहीं लगता इनका 56,000 का क्या होगा, ये नहीं लगता मैं ही पढ़ा सकता था, मैं ही लिखा सकता था, मैं ही ग्रंथ बना सकता था, इतना बढ़िया ग्रंथ बनाता मैं, क्या बताऊं सब मन की मन में रह गई, हाँ कुछ नहीं रह गई, किसी के लिए मेरी जरूरत नहीं है, किसी को मेरी जरूरत नहीं है, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। निज लक्ष्य से हो सुखी बस, नहीं शेष कुछ अभिलाष है, ये स्वरूप मग्न हो जाते, मैंने द्रगुण प्रयाग की स्वतंत्रता का निर्णय करो स्वरूप मग्न हो जाओगे। आया समझ में आया? तो ये गुप्ति का स्वरूप ऐसे सभी जगह लगेगा, अभी वीतराग भाव है ना, देखो तथा पार्टियों की रक्षा के लिए यत्नाचार प्रवृत्ति उसको समिति मानता है, समिति की चर्चा। सो हिंसा के परिणामों में से तो पाप होता है और रक्षा के परिणाम से संपर्क हो गए तो पुण्य बंध का कारण कौन ठहरेगा, वही चर्चा है। शुभ आश्रम को संबर मान रहा है ना, तथा ऐसा समिति में दोष टालता है, माने भोजन सोच सोच के लेते हैं, दिन में लेते हैं, खड़े खड़े लेते हैं, सब ऐसा संभाल के करते हैं, वहां रक्षा का प्रयोजन है नहीं, इसलिए रक्षा ही के अर्थ समिति नहीं है। क्या कह रही तुम्हें समिति क्या लग रही, किसी रक्षा के लिए? तो रक्षा के लिए समिति नहीं, ऐसा समिति में रक्षा का क्या काम? शोधन होता है, दिन में होता है, देख देख के होता है, खड़े खड़े होता है, इसमें इसमें रक्षा किसकी करती है? तो ये क्या मान रहा था कि परजीवों की रक्षा के लिए अत्याचार प्रवृत्ति करने का नाम समिति, तो ये अत्याचार प्रवृत्ति का नाम भी समिति नहीं। तथा ऐसा हो गया तो समिति कैसी होती है, खुद ही जवाब दे रहे, देखो तो समिति कैसी, मुनियों के किंचित राग होने पर गमनादि क्रिया होती है, वहां उन क्रियाओं में अति आसक्तता के अभाव से प्रमाद रूप प्रवृत्ति नहीं होती तथा अन्य जीवों को दुखी करके अपना गमन आदि प्रयोजन नहीं साधते, इसलिए स्वयं में भी दया पलती है, इस प्रकार सच्ची समिति है। इसमें बहुत काम के लाए शब्द है, वो जरा पकड़ो यार, किंचित राग होने पर, जी शब्द पकड़ो, इसका भाव समझो, क्या लिखा है? किंचित राग होने पर, समझ में आया? दिगंबर महाराज को राग नहीं होता, किंचित राग होता है। क्या मतलब? हमें उस पंच कल्याण में पहुंचना है, ये किंचित राग नहीं है, ये बहुत बड़ा राग है, हमें इतनी तारीख को वहां पहुंचना है, इतनी तारीख को वहां प्रवचन करना है, इतनी तारीख को वहां करना है, उसका नाम ईर्ष्या समिति नहीं है। जी कहना चाह रहे मुहिराज यदि बंद करके दौड़ रहे हो, खूब खूब चल रहे हो, आज वहां पहुंचना है, आज वहां पहुंचना है, वहां सबको आ गए होंगे लोग स्वागत करने के लिए, वहां लेने के लिए, और वहां हमारी व्यवस्था कंप्लीट हो गई होगी, और वहां आहार की व्यवस्था सेट हो गई होगी, वहीं भागना है, वहीं पहुंचना है, यदि ऐसा राग है तो उसका नाम किंचित राग नहीं है।
ये बहुत इससे पकड़ो समिति का है कहना, माने चलना और समिति का फर्क है, ईर्या समिति का क्या कह रहे, ईर्या समिति में फर्क है, घूमते नहीं है मुझदा है, क्या कह रहे समझ में, अरे मुझाज घूमते नहीं है, भ्रमण नहीं करते, देशाटन नहीं करते, दौड़ते नहीं है, पहुंचते नहीं है, माने इतने आनंद की दशा का नाम है समितियां, समितियां ध्यान रखना कि बनखंड आदि में से बिहार हो रहा था, अचानक एक वृक्ष के नीचे बैठने का मन हो गया, बैठ गए, फिर अब जी नहीं सोचा कि इतना आनंद आ रहा था, बैठ ही रहा बस, जी सोच रहे बैठ ही रहा, किसा फिर और होगा क्या होगा, अब जो होगा होगा, बैठे किसा फिर रात हो जाएगी, फिर बिहार नहीं कर पाओगे, अरे बहुत भयानक जंगल है, मन दे दे छूटना हो तो छूटेगी, छूट जाएगी, हम तो अभी तो माना मजा आनंद आ रहा है ना, बैठ, इसका नाम है ईर्या समिति, मैं जहां आनंद आएगा वहां रुक जाएंगे, प्रतिबंधित नहीं है वे, अप्रतिबंधित क्या अप्रतिबद्ध है वो, प्रतिबंधित नहीं, प्रतिबद्धित है तो उन्हें ईर्या समिति नहीं चाहिए, कह रहे हम पंच कल्याण में पहुंचना है, वहां जाना है, वहां धर्मशाला बनवाना है, वहां मंदिर जाना है, वहां प्रवचन करने जाना है, वहां सब इंतजार करेंगे लोग, मुनिराज के मुखार में से ये भी नहीं निकलता कि इससे आगे प्रवचन कल सुबह 9 बजे करेंगे, वो कल 9 बजे तक हम केवल ज्ञान हो जाए तो क्या कह रहे, मान लो कल केवल ज्ञान हो जाए बीच में प्रवचन का क्या हो, मैंने बिल्कुल ऐसे समझो जैसे रेलवे स्टेशन कोई आदमी बैठा है, उसकी ट्रेन का टाइम हो रहा है, तो वो क्या कहेगा, भाई 2 घंटे बाद फिर मिलेंगे हम इधर ही, क्या पता ट्रेन आ गई तुम चले जाएंगे, नहीं नहीं तुम सही से बताओ और कितनी देर तक यहां मिलोगे, कह नहीं सकते ट्रेन आ गई हम चले जाएंगे, यहां से दिगंबर मुनि भगवान तो माने भले देश में दिखाई दें, बनखंड में दिखाई दें, आहार लेते दिखाई दें, लेकिन वो तो चले जाएंगे, कहां चले जाएंगे, शुरू में चले जाएंगे, प्रतिबद्धता बहुत बड़ा दुख है, और प्रतिबद्धता वाले को समिति नहीं होती, वो करके देख लो, तुम करके देखो, जिस तुम्हें चलना है और किसी कारण से रुक गए और हर हाल में पहुंचना है शाम को 5 बजे तक, तो फिर तेज तेज चलोगे, नीचे नहीं देख पाओगे, चिंता हो जाएगी, चलिए करो चलिए, अरे यार तुमने लेके आओ, चलिए लेके आओ, जी नहीं पहले से चले बुजुर्ग लोग पीछे रुक गए, बताओ हम पहुंच जाएंगे, रात हो जाएगी, उनका क्या होगा, टेंशन हो जाएगी, नहीं भाई पद्म पुराण जी में आता है, एक महिराज चतुर्मास के लिए स्थापना करने के लिए बिहार कर रहे थे, लेकिन वो फंस गए राजस्थान में, वो चारों तरफ रेत ही रेत, बस रेत ही रेत के टीले बड़े बड़े, वहां कुछ था ही नहीं उनके पास, मतलब नगर ही नहीं, गांव नहीं कुछ, चतुर्मास की तिथि आ गई तो वहीं एक वृक्ष के नीचे बिराज गए, चतुर्मास स्थापित हो गया, वो कहीं जा नहीं सकते, चार तरफ कहीं गांव नहीं, विराज गए क्या कर, चातुर्मास की स्थापना हो गई, महामंडल अपनी सेना सहित वहां से निकले, ये वृक्ष नीचे मुनिराज को देख के अग्री, अरे विवेकी थे ज्ञानी थे, अरे चातुर्मास की स्थापना हुई, और यहाँ भी आसपास कहीं गांव नहीं है, दूर दूर तक कहीं पानी नहीं, कहीं कुछ नहीं, बोले व्यवस्था नहीं थी कुछ, अरे तो महामंडल 4 महीने तक वही नगरी बना के रहे, चार महीने वही रहे, जब पूरी स्थापना हो गई, पूरी बिहार हुआ तब गए, जो उनके पुण्य का योग समझ लो, लेकिन उन्हें तो नहीं सोचा था, हे भगवान, हे देवता, हे कोई इंद्र, हे कोई यक्ष, कोई व्यवस्था करो, अरे इस देह को छूटना होगी तो छूटेगी, इतना निश्चिंत निर्णय जी नहीं सोच पा रहे, तब नहीं आया तो क्यों, और हार नहीं हुआ तो, वो कोई साधन भी नहीं आया तो फिर क्या होगा, क्या टेंशन नहीं करी, तो वो समिति है, अब दे जाए तो जाए, यही जाने का योग हो तो यही चले जाए, खूब आ गए अपन बैठे मस्त, अपन तो स्वरूप गुप्त है, समझ गए,
शेर आ गया तो आ गया तो आ गई, अब क्या करेगा, हम क्या करेंगे, कहाँ आते अपन, कहाँ कहीं पे थे अपन लोग साहब। तो हमने कहा क्यों, यहाँ शेर आ जाए तो क्यों, तो अपन थोड़ी कुछ करना है, उसे कुछ करना है। क्यों शेर आ जाए तो क्या करोगे, तो अपन थोड़ी कुछ करना है, जो कुछ करना है उसे करना है। स्वरूप मांगा, समझ गए, मुनिराज की दशा इतनी उत्तम होती है। समिति में क्या शब्द डाला, किंचित राग, किंचित राग माने राग नहीं, किंचित राग। जैसे एक सहज भाव आएगी, चलो बिहार कर जाए जल्दी, और फिर जंगल में अच्छा लगा तो वहीं रुके, पहाड़ अच्छी लगे तो वहीं रुके, गुफा अच्छी लगी तो वहीं लग गए, नदी किनारे अच्छा लगा तो वहीं बैठ। दृष्टांत देख, अब दृष्टांत एक खराब है थोड़ा, एक देश दे, एक देश दृष्टांत, जैसे किसी बहुत स्वादिष्ट भोजन हो और बड़ा मन प्रिय भोजन हो, बड़ी इच्छित, वो क्या करते हैं, चलती जाती है कहीं, देखो कहाँ रुके, जैसे गाड़ी में जाती है जीप वगैरह में, अमान जाना है, 4 बज गई भाई, चलो पानी पीना है, भोजन लेना है, चलो देखो भाई, देखो देखो कोई अच्छी जगह, देखो कोई गाँव आए, देखो कोई कुआ आए, देखो कोई स्कूल आए, मैंने वो जहां मिला वहीं रुक गए। तो जैसे भोजन के लिए कहीं भी रुक जाती है अच्छा स्थान देखकर, ऐसे स्वरूप में मग्न होने के लिए कहीं भी रुक जाती है। समाज से बंधे नहीं है हम, तो मैं पंचकरण कराते रहे, साल 2 साल की डेट दे दी, सत्य महाव्रत में दोष लगते हैं आप, सत्य महाव्रती ध्यान रखना, सत्य महाव्रती कभी भी वचन नहीं देती, क्या कह रहे, सत्य महाव्रती वचन नहीं देती, हम आपके पंचकल्याण में आएंगे, हम आपके फला कार्यक्रम में जाएंगे, हम हमारा प्रवचन हो जाएगा, हम कर देंगे नहीं, क्यों, अरे आज आयु पूरी हो जाएगा, आज केवल ज्ञान होना हो तो आज ही होना हो तो क्या करो, इसका मतलब है तुम्हें खुद ही विश्वास नहीं कि आज कुछ हो सकता है। मुनिराज की दशा कैसी बताई हमने, जैसे रेलवे स्टेशन पर रेल, जब आएंगे हम बैठ के चल देंगे, हम नहीं रुकेंगे भाई, हम नहीं रुकेंगे, बहुत अच्छे अच्छे शब्द है, स्वरूप मंथर, स्वरूप में मग्न, असल में स्वरूप पढ़ते नहीं ना, ऐसा सोचते नहीं, जैसे लगता इसमें क्या हो गया, चलेगा तो मुझे आज क्या हो गया, मुनिराज चले गए तो क्या होगा, वो करी आए तो क्या होगा, अरे तुम्हें मुनिराज किस स्वरूप नहीं मारा, टोरंटो में जी ऐसे बारीकी से निकाल रहे हैं, इसीलिए तो लोगों को पसंद नहीं आती बात। देखो आगे तो समिति कैसी होती है, बहुत सुंदर, मुनियों के किंचित राग होने पर, किंचित का मतलब समझ गए, जी तो राग ही नहीं है, तो चलने का राग, फिरने का राग, घूमने का राग, घुमाने का राग, हमने दुनिया के लिए दीक्षा नहीं ली, प्रवचन के लिए दीक्षा नहीं ली, ध्यान रखना, हमसे कोई ब्रह्मचर्य कहता तो हम एक ही बात कहते, बेटे तुम्हारे में से क्या होगा ये हमें नहीं मालूम, तुम्हारे से जो प्रभावना हो हमें निमित्त बनना होगा, बन जाओगे, लेकिन हम तुम्हें कोई गारंटी नहीं दे रहे कि तुम प्रवचनकार बन जाओ, कि तुम लेखक बन जाओ, कि तुम फला बन जाओ, कि प्रोफेसर बन जाओ, इनमें कल्याण नहीं, हम तो एक बात कहते हैं आत्मार्थी बन जाओ, हम तो एक बात की गारंटी, गारंटी भी क्या, एक विश्वास दिलाना चाहते हैं, बारंबार प्रेरणा करेंगे आत्मार्थी बनो, ख्याति ला पूजा के लिए मत जियो, पूजा अपने लिए करो, स्वाध्याय अपने लिए करो, भक्ति अपने लिए करो, अरे भोजन भी अपने लिए करो, घूमो तो भी अपने लिए घूमो, अपने लिए बस, इतनी तैयारी करो, 1-2-4 बार में मोक्ष हो जाए, समझ गए। क्या तैयारी, केवल अपने लिए जियो, भूल जाओ, क्यों, बंदर की पिछले जन्म की मम्मी कहां गई, पापा कहां गए, कौन आया उसे बचाने, आज बड़ा करंट लग गया, तड़प गया, तड़प गया, पड़ गया, भूख आया, प्यास आया, जैसा है बेहोश होते है, ताकत नहीं बची, बेचारी तो नहीं बची, मर गया तो मर ही गया, कौन पूछ रहा बताओ, यहां से 84 लाख में अनंत बार मरता है जी अकेले, केवल मनुष्य भव में थोड़ा अपन दिखता है कोई डेड बॉडी ले जा रहा है,
एक दूसरे की सेवा कर रहे हैं कि संभाल रहे हैं, केवल मनुष्य गति में थोड़ा। भाई कहां है नरक में, कौन पूछता है? क्यों नरक में मरने पर कोई चार लोग मिलते होंगे वहां, शोक सभा करते होंगे, भैया वो मर गया। कुछ नहीं है, चार दिन की चांदनी है मनुष्य गति की जितनी है, इसके बाद यहां से बिगड़ा दे रहा है। जैसे तुम्हारे सामने मर गए, कितने बंदरों के हाथ टूट जाते हैं, पैर टूट जाते हैं, पूछ टूट जाती है, आंख फूट गई, एक बंदर की आंख फूटी हुई है, इसी की थी बताओ चार। अच्छा बोलो, अब पूरे जीवन कौन पानी पिलाता है इसके? जैसे आज ही हाथ पैर टूटे हुए, आज पानी कौन पिलाएगा उसे? आज ये आंख फूटी तो इतनी भयंकर था, तो पानी मिल, पानी पीना उसे कहां पिलाएगा, कौन पिलाएगा उन्हें? त्रिय गति की पीड़ा है। सही है, जो है। चलो देखो, समझ में आया? किंचित राग बहुत काम के शब्द है ना, बहुत सारा राग होता है ना, तो तुम एक रन निकालो जल्दी रखो, ऐसे ऐसे करोगे। और किंचित राग, किंचित राग में समझते हो, इसलिए ग्रंथ प्रार्थना विकल्प आया पढ़े, इतने में एक सिर से उठे उठा लिया, चलो कोई तुम पढ़ लो। इतनी इतनी मंद राग हो गई, इसका नाम है किंचित राग। ए तुमने क्यों उठा लिया, हम पढ़ने वाले थे, हमने अपने लिए रखा था। अरे तो भाई किंचित राग नहीं, दुख कौन देता राग? क्यों जी संतरा यहां से कौन उठाया? हमने अपने लिए रखा था, अभी गुस्सा आ गई, क्यों हमने अपने लिए रखा था? विकल्प आए संतरा लेने रख लिया, इतने बच्चा आया उठा के ले गए, कोई कहा जी है किंचित राग। एक कोई आया महाराज दीक्षा लेना, अच्छा ले ले सब ले ले, कोई बात नहीं। फिर मान पड़ा दूसरे आचार से ले ली, चलो कोई बात नहीं। मैंने बिल्कुल अकुलता नहीं, कैसे हैं इधर हमसे कह गए, उधर उनसे दीक्षा ले ली, अकुलता नहीं करते, बिल्कुल अकुलता। इसका नाम है किंचित राग। किंचित राग को अच्छी तरह से डिफाइन करो, बढ़िया करुणानिधि की भाषा में, जल में रेखा की तरह, नदी में पानी में रेखा की तरह, किंचित राग मतलब पानी में रेखा की तरह, समझ गए? पानी में रेखा ऐसे खींचते जाओ, मिट्टी आएगी, ऐसे तनक विकल्प आए पढ़ लें फिर मिट गए, तनक विकल्प आए प्रवचन कर दें फिर विकल्प मिट गए। इसलिए क्या लिखा है पहले अध्याय में, कुछ कुछ उपदेश दे दिए, वहां भी लिखा है किंचित राग आदि के उदय में, किंचित राग आदि के उदय में शब्द क्या है, किंचित राग के उदय में वो करुणा होने पर, वो कौन को धर्म, धर्म के प्यासे कोई, धर्म के प्यासे जीव हो, कितनी शर्त जोड़ी है, धर्म के लोभी हो, करुणा आए फिर, करुणा नहीं आती प्रवचन नहीं करें, भले वो धर्म का लोभी है, धर्म का लोभी समझते, लोभ बुरा होता है ना, लोभ तो लोभ मैंने वो बुरे अर्थ में नहीं है, माने जिसे धर्म के सिवा और कुछ नहीं चाहिए, जिसे स्वानुभव के सिवा कुछ नहीं चाहिए, जिसे आत्मानुभूति के सिवा और कुछ अच्छा नहीं लगता, इसका नाम लोभी है। वहां लोभी माने खराब अर्थ में नहीं है, वो जैसे चमड़ी जाए दमड़ी ना जाए, पैसे का लोभी हो तो मर जाए लेकिन डाकू चाबी ना दे, तो वो लोभी माने पैसा जिसे बहुत चाहिए, ऐसे जिसको धर्म बहुत चाहिए, स्वानुभूति की चैन नहीं पड़ती, वेद विज्ञान में चैन नहीं पड़ती, जिसे उसे देख करके भी करुणा आए तो उपदेश देते, करुणा नहीं आए तो उसे नहीं देते। जैसे हम प्रवचन करते हैं ना, तब तुम सब डिस्टर्ब हो जाते, तो भी हम करते हैं, कहे हमें तो करना ही एक घंटे, मुझे आज कैसा नहीं है, यदि आपको उपयोग हटेगा तो आधा वाक्य बोल के भी चुप चुप होकर अंतर चले आएंगे। जी है किंचित राग, जैसे तुम्हें तुम्हारे चेहरे से लगा कि तुम नहीं सुन रहे, उपयोग नहीं तुम्हारा, उंगली चटका रहे, ऐसे ऐसे कर रहे, बोलना बंद, अंतर में चले गए, सब आगे बोलो, नहीं बोल नहीं रहे, बोल थोड़ी रहे थे, हम तो तुम्हें दर्शा रहे थे, दर्शाओ तो करना प्रमाण, हम तो दर्शा रहे थे तुम्हें, तुम देख ही नहीं रहे थे, तुम नहीं समझे, हम सुना थोड़ी रहे थे, हम तो दिखा रहे थे, अपने को आत्मा देखो, अपने को भगवान देखो, तुम देख नहीं रहे थे, और हमारी मजबूरी हम कर देते हैं प्रवचन, लेकिन उन भी नहीं करेंगे, इसका नाम है किंचित राग।
राग होता है उसके लिए आदमी एनी हाउ पूरा करता है किसी तरह से, किंचित राग हो तो हो जाए पूरा, नहीं हो मत, समझ गए। ऐसा समिति समिति ना चारों पांचों ऐसा समिति, आधा निक्षेपण का बता दिया ग्रंथ वगैरह के बारे में, ईर्य समिति होगी, भाषा समिति में बोलते बोलते नहीं बोले उपदेश नहीं दिया, अब एक समिति होगी प्रतिष्ठापन समिति, वो तो सरल आदान निक्षेपण वो ग्रंथ के बारे उसमें आ गया ना, ग्रंथ लेना देना। एक समिति के नाम अभी बताए ना, कौन सा बताया गया जिसका ऐसा समिति, आहार का विकल्प आया फिर मिट गया तो अंजलि छोड़ दी, किंचित विकल्प ऐसा नहीं आज आहार लेना ही कहा है, कहीं ना कहीं तो लेना ही चाहे तीन राउंड लगाए, हाँ ऐसा नहीं, निश्चित समय तो है उसका, सुबह तीन घड़ी बाद और शाम सूर्यास्त के तीन घड़ी पहले तक है आहार का समय उनका, लेकिन आहार पहले विकल्प आए ले लें उठे फिर अचानक विकल्प टूट गया तो रहने चल कोई बात, आंकड़ी लेके भी छोड़ देंगे, नहीं अब नहीं ले रहे, घर में गए चिंटियां चल रही थी विकल्प टूट गया छोड़ के वापस आ गए। इसलिए दिगंबर मुनिराजों को नौ नौ बार पड़गा वो करती नवदा भक्ति, ए भैया मुनिराजों को आहार कराना ऐसा है जैसे रूठे हुए बालक को भोजन कराना, बालक छोटा है जैसे जी बच्चा छोटा है अब ये रूठ जाए तो कैसे खिलाएगी इसके, क्यों अब ये सौ शर्त लगाएगा भिंडी की बनाओगे तो खाएंगे भिंडी, हम नहीं दृष्टा तुम्हें कौन सी सब्जी अच्छी लगती है, है? बोल छोली, अब ये शर्त लगा दिया छोली बनाओ तो खाएंगे नहीं तो हम नहीं खाएंगे, नहीं खाओ नहीं खाओ नहीं खाओ बेटा आजादी कहा रखी नहीं तुमने वहां थाली कटोरी तक तो रखी नहीं है, मैंने लूटा हुआ बालक उसे भोजन कराना बड़ा मुश्किल है, भूखे बालक को तो भोजन करा देगा कोई, बैठ जाएंगे लिया 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 दो रोटी हाथ में दे नमक मिर्ची दे हम खा ले रहे रूठे बालक को भोजन कराने जैसा है ऐसे दिगंबर मुनिराज मैंने बिल्कुल किंचित राग इसका नाम है, नवदा भक्ति में से कमी हुई चले जाए, जरा हिंसा की कोई चिंटी हुआ चलती थी चले गए, जिनवाणी की असाधना दिखाई दी घर में चले गए, अरे ये घर में भक्ति नहीं, भक्ति नहीं इस घर में, जिनवाणी कैसे रूढ़ वाला समझ गए ना, रूठक बालक का तो दृष्टान थोड़ा और अच्छे समझाओ तो रूठा हुआ पति रूठे हुए पति को भोजन कराना कितना कठिन, जी कचरा पड़ा है हम घर में घुस नहीं सकते बस, जी कचरा पड़ा है जी नहीं सफाई हो जाए तो पत्नी जो भोजन कराना चाहती वो पहले ये देखो कचरा एक चाहता वादा सही कर दू ए, तो कुछ ए उठा कर रखो पापा आ रहे होंगे जल्दी कर पापा आ रहे होंगे जल्दी, अरे थाली जगह पटक रहा जल्दी फिर चली जाएंगे जल्दी जल्दी में, एक एक बात का ध्यान रखते हैं, ऐसे मुनिराजों की नवदा भक्ति होती है, सात गुण होते हैं नवदातार के सात गुण होते हैं, बहुत बहुत ध्यान रखते हैं चले जाएंगे भी आहार नहीं हो पाया, मुनिराज की गरज नहीं है भोजन की आहार की, हमारी गरज है गरज समझे गरज, अब खाओ तो खा ले हम क्या करें हम का मर जाए नहीं तो नहीं करा पाओगे यार नहीं करा पाओ, बहुत है उसमें दातार के सात गुण, उसमें बहुत गरिष्ठ गरिष्ठ बातें हैं, सात सात गुणों में बहुत गरिष्ठ बातें हैं, बहुत है पढ़ना उसे अच्छे से है ना, तो ये किंचित कार्य कर दिए पांच समिति में अपन है ना किंचित का, आगे देखें गमन आदि क्रिया तो सब लेना है एष्णा वगैरह सब लेना है, वहां उन क्रियाओं में अति आसक्तता के अभाव से देखो आ गया, अति आसक्तता के अभाव से प्रमाद रूप प्रवृत्ति नहीं होती, अब अति आसक्तता ही नहीं है किंचित राग तो आसक्ति नहीं है उनकी, आसक्ति नहीं है तो ऐसी प्रमाद रूप प्रवृत्ति नहीं होती, जल्दी पहुंचने नहीं है तो जल्दी जल्दी दौड़ के चलो, सूर्यास्त होगा तो हो जाएगा हम बैठ जाएंगे यही बैठ जाएंगे, समझ गए अभी तो इतना बुरा होता है दिन तक नहीं निकल रहा रात नहीं चलती,
हमारी वो दादी थी, दादी यहाँ पे आदि का थी, रात को चली गई तीर्थ यात्रा करने हुआ तीर्थ। अब उस समय तो हम छोटे थे, नहीं समझते थे, हमारी मम्मी ने बताया वो पर्वत पे मिल गई थी, मिली थी दादी, मन दादी मैंने आ रही कहा गढ़नी थी वो, तो अब उस समय तो नहीं समझते थे, बाद में पता रात को चलती। हम तो एक बार गए रात को, फिर जब आकर आते समय देखा था जगह जगह इल्ली हमारी पड़ी, मोटी मोटी इल्ली हमारी पड़ी बहुत मोटी मोटी। उस दिन का दिन है हमारी हिम्मत नहीं पड़ी, हम रात को नहीं जाएंगे, हम रात को नहीं जाएंगे, हिंसा ने हमारी बस की नहीं, हमारी तो यही भक्ति यहीं से हो जाएगी, जाएंगे तो दिन में जाएंगे। हम जब जब गए दिन में ही गए, जब जब गए दिन में ही गए, 8 बजे 10 बजे 12 बजे 1 बजे आराम से गए। पहले ऊपर रहता था ना वो डाक बंगला, वहीं रुक जाते थे, 5 बजे पहुंच जाते थे, रुक गए, दूसरे आराम से बंदा करके शाम को फिर रुक गए, फिर अगले दिन गुजर आए, ऐसे 48 घंटे लग जाते थे वहां से। वो हमें अच्छा लगता है, भागना दौड़ना क्या है, हिंसा हिंसा होगी। आए समझ में? प्रमाद रूप प्रवृत्ति नहीं होती तथा अन्य जीवों को दुखी करके अपना गमन आदि प्रयोजन नहीं साधते, इसलिए स्वयं में भी दया पलती है। क्या कह रहे हैं? स्वयं में भी दया पालते नहीं है, दया पलती है। इस प्रकार सच्ची समिति है, इस सच्ची समिति का स्वरूप। अब धर्म, धर्म 10 तथा बंधादि के भय से अथवा स्वर्ग मोक्षी इच्छा से क्रोध आदि नहीं करते, परंतु वहां क्रोध आदि करने का अभिप्राय तो मिटा नहीं। कैसी गरिष्ठ गरिष्ठ बातें हैं, स्वर्ग मोक्ष जाना इसलिए क्षमा करती, मैंने क्रोध नहीं करती, तो क्रोध करने का अभिप्राय नहीं मिटा। क्या कहा? करते क्यों नहीं है? अब हम मुनि हैं और क्रोध करेंगे तो लोग क्या कहेंगे? क्यों तुम ब्रह्मचारी हो, लोग क्या कहेंगे? अच्छा लोग क्या कहेंगे, इसलिए सही पढ़ना में रहते हम, इसलिए गुस्सा नहीं कर रहे थे हम, तो अभिप्राय तो मिटा ही नहीं तुम्हारा, समझ गए? गुस्सा तो बहुत आती है मुझे, लेकिन इनके सामने कुछ कहता नहीं, तो गुस्सा आती वही तो खतरनाक है। क्यों ऐसा हो सकता है क्रोध ना आए? कि हाँ हो सकता है, तत्व निर्णय करने पर, वस्तु सबको विचार करने पर क्रोध नहीं आएगा, नहीं आएगा, सही में नहीं आएगा, उसका नाम उत्तम क्षमा है। बताओ ऐसा कौन सा प्रसंग है जिसमें क्रोध आएगा? हम उसी को सॉल्व करेंगे इसमें से। क्यों आएगा क्रोध? वो जीव की योग्यता इतनी है, उसका गुणस्थान इतना ही है, ना समझे, यदि हमें नहीं समझता तो नहीं समझता, उसकी बंद की योग्यता है, धर्मात्मा भी बुराइयां करते ही, उसमें आश्चर्य क्या, मैंने उसके ऊपर गुस्सा नहीं है। भवितव्य और योग्यता या अकेले विचार कर लो तो बहुत शांति आ जाएगी है? जैसे कोई राजा दिख के, इसका मतलब क्या समझो, उत्तम क्षमा तब प्रकट होगी जब तुम्हें सारा जगत निर्दोष दिखाई दे। क्या बोला? उत्तम क्षमा कब होगी? जब सारा जगत निर्दोष दिखाई दे, कोई दोष ही नहीं। ऐसे विचार करो, भवितव्य का, उनका योग्यता का विचार करो, एकदम समता जाएगी, किसी को बदलने का भाव नहीं आएगा, बदलने का। कितने सारे लोग सेटिंग बनाते, तो इनको ये समझा देना, ये हमें अनुकूल हो जाएंगे, तुम ऐसे कर देना, एक काम करो पैसे ले तो बोल देना हम पैसे दे देंगे, एक काम करो इनको ऐसे ऐसे पुटला दो, अरे कभी जरूरत ही नहीं है, जरूरत ही नहीं है किसी को खुश करने की, राजी करने की, पैसे देने की, शर्त मानने की, शर्त देने की। एक बार बोले हम आपके पास ब्रह्मचर्य ले लेंगे, लेकिन एक शर्त है, नहीं हम कोई शर्त नहीं सुनेंगे, हम कोई भी शर्त सुनेंगे ही नहीं, तुम्हें लेना चले नहीं ले मत ले, मैं तुम हमें बांधना चाहती हो कि तुम बंधोगे, हम नहीं बंधेंगे, हम तो अपना आनंद करेंगे, तुम्हें लेना लेना, नहीं लेना मतलब लेना लो, नहीं लेना मतलब ब्रह्मचर्य, हम आप यदि हमारे गांव आ जाओ एक बार तो हम जरूर ब्रह्मचर्य ले लेंगे, हम नहीं, तुम्हारी 10 बार गरज हो आत्मकल्याण करना हो तो ले लेंगे ब्रह्मचर्य। एक बार बोले हमारे गांव आ जाओ आप, बस मैं पक्के मैं आपके साथ चलूंगा, हमें ले जाने नहीं तो हम काबू ले जाएंगे, हम कौन कौन गांव जाते फिरेंगे ब्रह्मचारी बना, ब्रह्मचारी बनाने ठेका लिया
टिकट भी जाएगा, मजे का मार गए, तुम्हें मजा लगे तो ठीक, तुम्हें भाँस लगे तो भाँ करो, हमें क्या दिक्कत है। जैसे कोई राजा दिख के भाई से अथवा महंत बने के लोभ से, समझ गए, महंत बने के लोभ से परिस्थिति का सेवन नहीं करता तो उसे त्यागी नहीं कहते, वैसे ही वह क्रोध आदि, एक क्रोध आदि का त्यागी नहीं है तो कैसे त्यागी होता है। आ गया वही उत्तर जो हमने बोल गया, कोई क्या निर्दोष भाषित हो, हम क्या कह रहे हैं, पदार्थ अनिष्ट इष्ट भाषित होने से क्रोधाधिक होती है, और जो तत्व ज्ञान के अभ्यास से कोई इष्ट अनिष्ट भाषित ना हो, इष्ट अनिष्ट भाषित ना हो, मैं निर्दोष भाषित होंगे सारे, तब स्वयं में भी क्रोधाधिक उत्पन्न नहीं होते, तब सच्चा धर्म होता है। अब दस धर्म की चर्चा है यहां पर, तो अब दस धर्म की चर्चा अभी तो नहीं करेंगे, पर दस लक्षण पर में आपने पढ़ते हो, डॉक्टर साहब ने खूब खुलासा किया उसका, है ना, तो दसों धर्मों में घटाना इसको, फिर से सुनना, आपको अशांति है, दुख है, इसका मतलब है आपको द्रगुण पर्याय की स्वतंत्रता का पता नहीं, दूसरी भाषा को आपको तत्व निर्णय नहीं है, तीसरी भाषा का आपको वेद विज्ञान नहीं, तीनों यदि होते, तीनों में से कोई भी हो जाता मान लो तो तुम्हें शांति मिल जाती, हालांकि तीनों संग संग ही होती, आपको शांति मिल जाए, नहीं मिल रही इसका मतलब गड़बड़ है आपकी, आप तत्व ज्ञानी नहीं, आप ऊपर से जबरदस्ती ऐसे नहीं करो, हम गुस्सा नहीं करेंगे, आज से त्याग कर दिए गुस्सा नहीं करेंगे, गुस्सा करें नहीं, होएगा नहीं, आगे समझ में आए, तो दसों धर्म में अभी तो नहीं घटा रहे अपन, अभी केवल वांछना कर रहे हैं इसकी, तो इन्होंने क्षमा में घटा के दिखाया है, क्षमा में घटा के दिखाया है। तुम चाहो तो फटाफट बोल दो, बोलो, एक अपना आत्मा का सुख अपने में ही है, इस सुख का घात कोई नहीं कर सकता, उत्तम क्षमा, देश में कोई हमारा घात नहीं कर सकता, इसलिए उत्तम क्षमा, हमारा सुख हमारे अंदर है, हमारा सुख हमारे अंदर है, इसलिए पर पदार्थों का कोई मान नहीं, कोई मान नहीं, हमको बाहर से बड़े होते ही नहीं, रहे चाहे चले जाओ, घटे चाहे बढ़ जाओ, संयोग बढ़ो चाहे छूटो, पंच परमेष्टी हो तो बने रहो, उनसे ही मान के साथ नहीं, अरे मेरे पंच परमेष्टी, मैं महावीर का असली शिष्य, आचार्य कुन कुन का असली शिष्य, गुरुदेव का असली शिष्य, अरे मान के साथ नहीं है, हमारा सुख हमसे है, गुरुदेव से नहीं है, कुन कुन स्वामी से नहीं है, महावीर भगवान से भी नहीं, तो उनका भी मान नहीं है, अपने सुख, सरलता, सरलता स्वीकार है कि नहीं, मेरा सुख मेरे भी, सरलता हुई, इसी में सरलता हुई, क्षमा मार्दव आर्जव सत्य, नहीं क्या क्रोध, क्षमा मार्दव आर्जव सत्य, सोच सोच पहले ले लो, यही तो पवित्रता है, मेरा सुख मेरे में, तो अन्य अन्य वस्तु की याद नहीं आती, लक्ष्य नहीं होता विकल, यही तो सुचिता है, और यही सत्य धर्म है, मैं सुख स्वरूप हूं, ऐसा अनुभव करना ही सत्य धर्म है, सुख स्वरूप हूं, सत्य सोच संयम, यही तो संयम है, अपने सुख स्वरूप में मग्न रहते हैं तो इंद्रियों में व्यापार नहीं होता, घटता जाता है, ये संयम हो गया, और अपने अपने सुख स्वरूप में मग्न है इसलिए अनिच्छाएं नहीं होती, तो तप हो गया, समस्त विकारों का त्याग हो गया, सुख स्वरूप में मग्न होने से तो त्याग हो गया, एक परमाणु मात्र की जरूरत नहीं है, मैं अपने में परिपूर्ण हूं, तो आकिंचन हो गया, और अपने में आनंद, सुख स्वरूप में मग्न हूं, वो आनंद है, वो ही ब्रह्मचर्य हो गया, तो दस धर्म बस, मैं सुख स्वरूप में एक शब्द में, मैं सुख स्वरूप एक वाक्य में दसों धर्म आ गए, भाई इसे छोड़ के तुम चाहे जितनी मेहनत कर लेना इसे एक वाक्य को, कुछ नहीं कर पाओ, कुछ भी नहीं होगा, तुम कोटि जन्म तप तपो, मुनि व्रत धार अनंत भार, कुछ भी करो, समझ गए, अनुप्रेक्षा तथा अनित्यादि चिंतवन से शरीर आदि को बुरा जानकर हितकारी न जानकर उनसे उदास होना, उसका नाम अनुप्रेक्षा कहता है, यों यह तो जैसे कोई मित्र था तब उससे राग था और पश्चात उसके अवगुण देखकर उदासीन हुआ, उसी प्रकार शरीर आदि से राग था पश्चात अनित्यादि अवगुण अवलोक कर उदासीन हुआ, परंतु ऐसी उदासीनता तो द्वेष रूप है, द्वेष रूप है, अपना और शरीर आदि का जहां जैसा स्वभाव है वैसा पहचान कर
भ्रम को मिटाकर भला जानकर राग नहीं करना, बुरा जानकर द्वेष नहीं करना, ऐसी सच्ची उदासीनता के लिए यथार्थ अनित्यत्वादिक का चिंतन करना ही सच्ची अनुप्रेक्षा है। अब इसमें बहुत लंबी चौड़ी चर्चा है, 12 भावनाओं की चर्चा होनी चाहिए। कुल मिलाकर के राग द्वेष करता है उसका नाम अनुप्रेक्षा नहीं। सीधे सीधे बोलो, मैं सुख स्वरूप हूं, इसी चीज का अनुप्रेक्षण चलने का नाम अनुप्रेक्षा है। क्या कहा? मैं सुख स्वरूप हूं, ऑटोमेटिक इसकी खुमारी चलती रहती है, ये अनुप्रेक्षा। अब अभी विस्तार से समझाने की इच्छा है लेकिन समय भी नहीं है, और बहुत विस्तार तो फिर बहुत लंबा ले लेगा। एक बार हमने खनिया दाना में प्रवचन किया इसके बहुत विस्तार से, एक एक भावना के प्रवचन पता नहीं कितने कितने दिन हुए होंगे, 2 दिन 3 दिन 1 दिन जो जैसे जैसे समय मिला होगा खूब प्रवचन हुए, 2 3 3 4 4 दिन एक एक अनुप्रेक्षा के प्रवचन, उसका सार पकड़ लो तो पकड़ लो, नहीं पकड़ो तो सुन लेना अनुप्रेक्ष। 12 भावना के प्रवचन है, बहुत जम पंडित साहब की शैली में समझा रहा हूं। पंडित साहब ने बहुत सुंदर समझाया, हमने वहीं से पकड़ी ये बात। अनित्य अनुप्रेक्षा एक समझाते हैं अनित्य का, अनित्य की तरफ से, लेकिन अनित्यता में नित्य देखना, ध्रुव को नित्य देखना, जी है अनित्य भावना। समझ में आया कुछ? क्या कह रहे? अनित्य में अनित्य देखने से काम नहीं चलेगा, अनित्य में नित्य है, सब कुछ अनित्य, लेकिन तुम तो नित्य हो ना, तो अनित्य अनित्य के बीच में नित्य देखने का नाम अनित्य भावना है। अनुपेक्षा समझते हो? भावना समझते हो? जी भावना कहलाती है, भावना समझते? भावना वो दही छाछ मक्खन निकालते है ना, उसको उसको भाना कहते हैं, मई भाना, दही भाना, छाछ भाना, मक्खन निकालना है, भाना शब्द आता है। जैसे भावना भाना क्या मतलब? उसमें दो दो छोर होते रस्सी के, एक इधर आता है तो उधर चला जाता है, एक इधर आता है तो एक इधर चला, मतलब एक हाथ इधर जरूर होना चाहिए। क्या कह रहे? एक हाथ इधर जरूर होना चाहिए, ऐसे नहीं दो ही छोड़ दिए और दो ही खींचो भी मत, मक्खन निकालना है तो दो ही खींचो भी मत और दो ही छोड़ो भी मत, एक जरूर इधर होना, एक इधर होना चाहिए। समझ गए? तो क्या मतलब? एक अनित्य है एक नित्य है, यदि अनित्य इधर तो नित्य इधर है, ये भावना भाव। अब भावना में क्या होता है पता है? पान भाई में घूमता है वो, हाँ मथानी ऐसे ऐसे घूमता है ऐसे ऐसे, ठीक है। ऐसे ही लौट फिर कर विचार ध्रुव पे आता है, अनित्य का विचार आया फिर नित्य पे आ गया। तुमने देखा कभी? तुम परेशान हो जाती हो फिर आखिरी में तुम्हारा उपयोग अंदर में आ जाता है, हमारा क्या नुकसान? तुम्हारा ही नुकसान है, जाओ हमें खबर, हमारा तो कुछ नुकसान है नहीं। मैंने समझ गए? तो हमारा तो कोई नुकसान है नहीं। ऐसे अनित्य का विचार किया, जो शरीर अनित्य है, मर जाएगा एक दिन, छूट जाएगा, हट जाएगा, हट जाने हमारा कोई नुकसान? समझ गए? अनित्य में नित्य देखो, असरण में शरण देखो, संसार में स्वरूप देखो, भिन्न स्वरूप देखो, असुचि में सूची देखो। ऐसे पूरा लगा लेना 12 भावना में, एक ध्रुव आना ही चाहिए। उस समय हमने बहुत चर्चा की, उस समय बहुत सुन लेना, मूल प्रवचन सुनना का बीज बहुत पुरानी है, उस समय हमने पूरी मेहनत लगाई थी उस समय 12 भावना में। उसका एक सार है जो बता दे रहे अभी आपको, ये कोई 12 भावनाओं का पाठ नहीं होता, ये तो कवियों ने रचना लिख दी 12 भावना, अनुप्रेक्षा पाठ का नाम नहीं है, ये तो तुम लोगों को एक उंगली पकड़ के चलने के लिए है, तो वहां 12 भावना ऐसी होती है। 12 भावना कोई कोई भी भगवान तीर्थंकर दीक्षा लेते हैं तो ऐसे 12 भावना नहीं पढ़ते, राजा राणा चलो भाई 12 भावना पढ़ो हम दीक्षा ले रहे, ऐसा नहीं होता। और ये यहां से बैठ गए राजा राणा छत्रपति चलो पढ़ लो जल्दी फिर अपन दीक्षा ले, उसमें सिद्ध किया मैंने इसको 12 भावना के प्रवचन में, उस समय सिद्ध किया, ऐसा नहीं है पाठ वाठ नहीं होते इसके, तो मैंने सिद्ध किया कि जो भी देखते ना वही भावना बन जाती है। अरे वो बंदर मर गया, असरण संसार, और
वही एक ध्रुव ही शरण है, वो कहीं कोई शरण उस घटना को देखकर इधर आ गए, ये असरण भावना हो गई। वॉमिटिंग कर दी किसी ने, मलबूत कर दिया, अरे कैसा करता, असुचि भावना। अरे सही बात है, देह ऊपर से अच्छा लगता है, अंदर से बेकार। मलबूत देख के कैसा लगता है, अरे सही बात है, भगवान आत्मा सूची है जी, भले ही असुचि है लेकिन भगवान आत्मा सूची है। मतलब एक उपयोग अपनी तरफ जरूर आना ही चाहिए। आगे समझ में आए, ऐसे समय लगा ले। तीन लोग का वर्णन विचार किया, लोग भावना हो गई, नर्क गया हुआ जीव बेचारा कहां कहां गया, इतना बेचारा है, अरे लेकिन जीव जीव में ही रहा, तीन लोग में कहां गया, ऐसे लगाते हैं। हर आत्मा तो आना ही चाहिए, और आत्मा नहीं ध्रुव त्रिकाली शरण रूप शरण भूत भगवान आत्मा जरूर आनी चाहिए, समझ गए, शरण भूत। तो ये अनुप्रेक्षा हुई। अब परिचय जाए, परिचय जाए, तथा क्षुधादिक होने पर उनके नाश का उपाय नहीं करना, उसे परिचय सहना कहता है। परिचय की गलती क्या हो गई, भूख तो लग रही लेकिन उपाय नहीं किया भोजन करने का, सह लिया उसको, सो उपाय तो नहीं किया, और अंतरंग में क्षुधादि यानी सामग्री मिलने पर दुखी हुआ, रति आदि का कारण मिलने पर सुखी हुआ, तो भी दुख सुख रूप परिणाम है भाई। आर्त ध्यान रोध ध्यान है, वो तो 22 परिचय आर्त रोध ध्यान नहीं है, धर्म ध्यान है। भोजन नहीं मिलने पर तुम्हें दुख हुआ, ये तो आर्त ध्यान है, और अच्छा भोजन मिलने पर खुश होगा, ये रोद्र ध्यान है, इसका नाम 22 परिचय नहीं है। परिचय में तो धर्म ध्यान होता है, जय होता है, बताएंगे भी। अब 22 परिचय प्रवचन सुनना इसमें, फिर आगे देखो। ऐसे भावों से संवर कैसे होगा, इसलिए दुख का कारण मिलने पर दुखी ना हो, और सुख का कारण मिलने पर सुखी ना हो, गे रूप से उनको जानने वाला ही रहे, मन ज्ञाता दस्ता रहे, वही सच्चा परिचय जय है। जय परिचय जय। अभी मेहनत लगती है, एक दिन में नहीं हो जाती थी, दुख तो लगता है भूख लगने पर, फिर बार बार भेद भी गया, फिर भेद भी गया, फिर भेद भी गया, फिर विचार करते, फिर अपने संबोधन करते, नहीं मिला देह भोजन तो हम क्या करें, उसका बहुत विवरण मैंने उसी में दिया पूरा, एक एक परिचय में बहुत चिंतन किया इसका, कुल मिलाकर के फिर शुद्धोपयोग हो जाना, ये परिचय जय है। श्रेणी मान लेना, ये परिचय जय है। यदि श्रेणी नहीं माननी तो परिचय जय नहीं है। ठीक है, आप मन को बहला लो, क्या करें, अब कर्म को उदय है, अपन ने कर्म बांधे हैं, जरूर अपन ने कोई रोटी नहीं दी होगी, कोई चीज अपन नहीं मिल रही, हमने पहले ही कही थी अपन मुनियों को आहार दान दियो, ताकि अपन मुनि बने तो अपन भी तो मिले। जी जी घटिया सोच है, मिथ्या सोच है, क्या कह रहे हैं, ये मिथ्या सोच है, ऐसा सोचने वाला तो आर ध्यान कर रहा है, हाँ दुखी होना है। मैंने अपन ऐसे सोच रहे थे ना, अपन ने नहीं दिया हो तो अपन नहीं मिला, दे भला तो हो भला, हाँ ऐसा नहीं है, दे भला तो हो भला, लेकिन समझाते हैं ऐसे ही लोग में, ऐसे ही समझा ली, मुनिराज को ऐसे नहीं सोचना। स्वामी जी कैसे निश्चिंत होकर निकले, इस देह को चलना हो तो आहार मिल जाएगा, नहीं मिल तो मत मिलो, हम इस देह के लिए नहीं बने, अपने कल्याण के लिए, वे अपने कल्याण में लगे रहे, मिलता रहा काम हो गया, संकट के दिन तो चले ही जाते हैं, कौन सा सदन भोजन नहीं मिलता, लेकिन अपना काम पहले होना चाहिए ऊर्ध, समझ गए। मैं सुखी दुखी नहीं होना तो परिचय जय है, बस अच्छी भाषा में कहो तो स्वरूप मग्न होना चाहिए तो परिचय जय होता है। बहुत विस्तार की चर्चा है, तो पढ़ रहे हैं टोटल मंजिल का, इसलिए यदि हम पढ़ने बैठ जाएंगे तो फिर 50-60 दिन फिर लग जाएंगे। आखिर में चारित्र, हिंसादि साबद्ध योग के त्याग को चारित्र मानता है, हिंसादि साबद्ध योग मैंने 5 प्रकार के पाप के काम है जो उनको त्याग को चारित्र मानता है। महाव्रतादि रूप सुवियोग को उपाधि पनि से ग्राह्य मानता है, 5 महाव्रतों को ग्रहण करने लायक मानता है, परंतु तत्वार सूत्र में आश्रव पदार्थ का निरूपण करते हुए महाव्रत अनुव्रत को भी आश्रव रूप कहा है। तत्वार सूत्र में वे उपाधि कैसे हों,
तथा आश्रम तो बंध का साधक है और चारित मोक्ष का साधक है, इसलिए महाव्रतादि रूप आश्रम भावों को चारित बना संभव नहीं होता। सकल कषाय रहित जो उदासीन भाव है उसी का नाम चारित्र है। संक्षेप में समझ ले, 28 मूल में पालने का जो भाव है, अच्छे पालने का नाम, उसका नाम चारित नहीं है। क्या कह रहे बता, तुम 28 मूल में अच्छे से पालो तो क्या समझोगे तुम अपने आप को? भाई हम चारित बनते, देखो हम कितना चारित पाल रहे हैं। यहां क्या कह रहे हैं, 28 मूल गुण अच्छे से पालने का नाम चारित्र नहीं है, वो तो आश्रम बंद है। तो कैसा होगा फिर वो शुद्ध उपयोग जिसमें 28 मूल गुण नहीं है, विकल्प नहीं है, ये एक शुद्ध उपयोग, उसका नाम चारित्र। आत्मा में लीनता का नाम चारित है, शुद्ध उपयोग का नाम चारित है, समझ गए। आगे, जो चारित्र मोह के देश घाती स्पर्धकों के उदय से, एक कर्णानियों की शैली, महामंद प्रशस्त राग होता है, वह चारित्र का मल है। मल माने दोष है, दूषण है। क्या मतलब? देशघाती स्पर्धक समझते हो, एक तो सर्वघाती होता है, सर्वघाती मतलब उसमें चारित्र नहीं होता, और देशघाती में किंचित किंचित घात होता है, किंचित किंचित घात होता है। जैसे एक दृष्टांत है, दूध गर्म कर रहे थे पूरा ही जल गया, ये सर्वघाती हो गया, अब किसी काम का नहीं बचा, दूध ही नहीं बचा। अब वो दूध तपा रहे थे लेकिन थोड़ा सा लग गया, थोड़ा सा जल गया, बिल्कुल इतना सा जल गया नीचे थोड़ा सा, तो पीते समय हल्की सी उसकी स्मेल आ रही, हल्की सी जलने की दूध में, ये देश घाती है। दूध पी सकते हो आप, दूध में कुछ नहीं बिगड़ा, घी है उसमें दूध में अभी भी, देखो थोड़ी थोड़ी जला जलेगा, गंध आ रही, थोड़ी जलेगा स्वाद आ रहा है, तो फिर जले का स्वाद है ना, वो दूध का स्वाद नहीं है। ऐसे 28 मूल गुण का स्वाद वो आश्रम का स्वाद है, आत्मा का स्वाद नहीं, ये कहना है। समझ गए, देशघाती स्पर्धकों का उदय होता है, देशघाती स्पर्धक का उदय भी ना आए ना तो केवल ज्ञान हो जाए, यथा क्या चारित हो जाए। लेकिन देशघाती कर्म का उदय आता है तो क्या कहलाता है वो, देशघाती मोह का उदय आता है तो प्रवचन करने का मन करता है, क्या कह रहे हैं। लेकिन वो मल है, चारित का मल है, चारित नहीं है वो। उसे छूटता नहीं जानते, उसका त्याग नहीं करते, सावध योग का ही त्याग करते हैं, त्याग तो स्थूल करते हैं, छोड़ना तो चाह रहे हैं बारीक भी, लेकिन मोटा मोटा ही त्याग कर सकते हैं, समझ गए। परंतु जैसे कोई पुरुष कंद मूलादि बहुत दोष वाली हरित काय का त्याग करता है और कितनी ही हरित कायों का भक्षण करता है परंतु उसे धर्म नहीं मानता है। ए लौकी की सब्जी खाते वो धर्म नहीं है, लेकिन तुम मूली नहीं खाते, जमीकंद नहीं खाते, उसकी तुलना में अच्छा कह देते, लेकिन हरी हरी सब्जियां खाना भी चारित नहीं है, धर्म नहीं है। तुम खुश हो रहे हैं, हमने कहूं नहीं खाया, आलू नहीं खाए सो अच्छी है, लेकिन जी खा रहे ये भी दूषण है, समझ गए। उसी प्रकार मुनि हिंसादि तीव्र कषाय रूप भावों का त्याग करते हैं और कितने ही मंद कषाय रूप महाव्रत आदि का पालन करते हैं परंतु उसे मोक्ष मार्ग नहीं मानते। प्रश्न, यदि ऐसा है तो चारित के 13 वेदों में महाव्रत आदि कैसे कहे। समाधान, वह व्यवहार चारित्र कहा है और व्यवहार नाम उपचार का है, सो महाव्रत आदि होने पर ही भीतराग चारित्र होता है। ऐसा संबंध जानकर महाव्रत आदि में चारित्र का उपचार किया है, निश्चय से निकसाय भाव है वही सच्चा चारित्र है। इस प्रकार संबर के कारणों को अन्यथा जानते हुए संबर का सच्चा सद्दान नहीं होता। आज समझ कुछ नहीं आया ना, इसलिए नहीं आया कि 3 साल का प्रवचन 1 घंटे में हो गए, मैं जितने शब्द आए ना इसमें इसके 3 साल चाहिए, 10 धन पढ़ाने के लिए मुझे 1 साल चाहिए, 22 परिचय पढ़ाने के लिए कम से कम 6 महीने चाहिए, 12 भावना पढ़ाने के लिए कम से कम 6 महीने चाहिए, कम से कम जी सब प्रकरण है ना बहुत बड़े हैं, ये तो टोडा मंजी ने गलतियां बताई इसलिए अपने उसको भाषण कर लिया। क्या कह रहे हैं, इधर कितने स्पष्ट कह रहे हैं, तो फिर उनको चारित क्यों कहा, महाव्रत आदि को चारित क्यों कहा जिन वाणी में, कि महाव्रत आदि को चारित पुराण तुम्हें सरल दृष्टांत दे रहे, उपचार समझते ना, उपचार पढ़ाया था, उपचार
केला कितने प्रकार की होती है? अब तो याद होगा, बोलो केले कितने प्रकार की होती है? हरा और पीला, दो तरह की होती है केले, हैं? पक्का? तो एक काम करो, तुम बाजार से केला खरीद लो, ठीक, एक रुपये हमसे ले जाना, एक रुपये तुम ले जाना, दो रुपये का एक केला ले आना, छिलका छिलका तुम्हारा पीला पीला और सफेद सफेद हमारा, बोलो जल्दी बोलो, क्यों तुम्हें तो कह रहे पीला होता है तो उसके छिलका है, समझ गए? 28 मुड़मुड़ छिलका है और शुद्ध उपयोग उसका दल है। अब दिक्कत देगा, 28 मुड़मुड़ दिख जाती है बाहर की, 5 महाव्रत दिख जाती है, 5 महाव्रत बाहर की दिख जाती है, झट ठीक है, लोग बाहर में 5 महाव्रत की पूजा होगी, नमस्कार करेंगे, सब कुछ है, लेकिन तुम तो समझो, समझते हम, तुम समझो ना, महिला से कह रहे, तुम तो समझो कि जो 5 महाव्रत पाल रहे हो दुनिया को तो वही दिखेंगे, तो वही की नमस्कार होगा, लेकिन तो इसका नाम धर्म नहीं है, धर्म शुद्ध उपयोग का नाम, स्वरूप में रमने का नाम, क्यों ऐसा समिति का नाम धर्म है? तो खाते रहो फिर तो 6 घंटा, क्यों जितनी ज्यादा दिखाओ उतना ज्यादा धर्म, क्यों चलने का नाम धर्म है तो चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ, ईरिया समिति धर्म हो जाएगी, तो ईरिया समिति धर्म नहीं है, ऐसा समिति धर्म नहीं है, आदान निक्षेपण धर्म नहीं है, प्रतिष्ठापन समिति धर्म नहीं है, समझ गए? शुद्ध उपयोग धर्म है, अब शुद्ध उपयोग इनके साथ होता है ना, इसलिए इसको भी धर्म कह देती, इसलिए इसको भी चारित्र कह देती, चारित्र, समझ गए? तुम्हारा फोटो खींचा आज तक है क्या? फोटो सही सही बता, तुम्हारा फोटो है 90% तो कपड़ा का फोटो हुआ था, एक तो चेहरा होता है, बाकी तो सब फोटो कपड़े कपड़ा का होता है, फिर भी अपन क्या कहते हैं हमारा फोटो, क्योंकि इन्हीं कपड़ों के बीच में हम है, सही बता ना, तुम्हारा कितना परसेंट फोटो खींचता है? और बे आदमी तो कैसे, मैं तो एक तो यहां तक बंद कर दिया, सूट टाई पहन ली और यहां से पैंट पहन ली नीचे तक और जूता चप्पल पहन ली, तो यहां से नीचे तक तो गायब ही हो गया, यहां से तो गायब ही हो, अब इतना बचा तो इसमें चश्मा लगा लिया, यहाँ हेट लगा दिया, बोला और बाकी बची तो लिपस्टिक पाउडर लगा दिए, तो वहां फोटो है ना, मैं तुम्हारा फोटो कहा है, पूरा आवरण कर दिया मतलब जी, लेकिन अपन फिर भी कहते हैं हमारा फोटो है, क्यों? कि उसके साथ हम है, समझ गए? ऐसे 28 मूल गुण के बीच में शुद्ध उपयोग होता है, इसलिए 28 मूल गुण को भी चारित्र कहते हैं, लेकिन वास्तव में वो चारित्र नहीं है, हाँ इसलिए लिखा है, क्योंकि बिना उसके शुद्ध उपयोग नहीं होगा, केवल ज्ञान नहीं होगा उसके महाव्रत आदि के बिना, है ना? इसलिए महाव्रत को उपचार से चारित कहा है, लिखा है उपचार से चारित कहते हैं, विचार करना, ओम नमः शिवाय।